अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरिया आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आसान हो जाएंगी और ऐसी वीडियो आपको मेरा नहीं ख्याल कि YouTube पे कहीं पर भी आपको मिलेगी। ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं जगहों पर होती है। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है या जो मैं बात आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, वो है कलर कम्बिनेशन, डिज़ाइन, ड्रेस के हवाले से कि आप क्या डिज़ाइन करें, कैसे कलर्स चूज़ करें, कलर कम्बिनेशंस क्या करें, कंट्रास्ट क्या करें, और यहाँ तक कि आप ड्रेसेस को डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस मज़ीद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितने लोगों को ये वीडियो, मतलब कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है, ताकि इस बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करें। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बता सकती, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसलिए आज के टॉपिक में तो मैं बस जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ जाएगी। अभी जैसे कि हम कलर्स के हवाले से अगर बात करते हैं, तो आपको पता है बेसिक कलर्स जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। तीन बेसिक कलर्स होते हैं जिनमें से सारे कलर्स निकलते हैं, लाइट टोन भी निकलती है और डार्क टोन भी, इन्हीं तीन कलर्स में से सारे कलर्स निकलते हैं। अब बारी आ जाती है ड्रेस डिज़ाइनिंग की, ड्रेसेस में कलर्स चूज़ करने की, क्योंकि अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, अब डिज़ाइन लुक पर भी हमें जाना है। देखें जी, आपने अगर कलर, सबसे पहले तो ड्रेस का कलर का इंतखाब करना होता है कि आप ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कलर्स अच्छे लगेंगे, आपको किस, आपके स्किन टोन पे कौन से कलर्स सूट करेंगे, सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है। और दूसरी बड़ी बात, इसके साथ साथ आपने मौसम को भी मद्देनज़र रखना है कि आप, मतलब जैसे अब पाकिस्तान में कराची का मौसम डिफरेंट है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, लाहौर का, पेशावर का, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आ जाता है मौसम के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से। इसी तरह कश्मीर का डिफरेंट है इंडिया में, दिल्ली, बम्बई और ये सारी जगह जो सी हैं, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, यूके में या कहीं पर भी, हर जगह का मौसम डिफरेंट ज़रूर होता है। तो मौसम को आपने लाजमी देखना है हमेशा, कलर का इंतखाब आपने मौसम के लिहाज से भी करना होता है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसलिए आपने आज के इस टॉपिक को बड़ा ही समझना है, समझकर सुनना भी है, चलना भी है। ये से आज एक लेक्चर ही आप समझे, मैं आपको एक लेक्चर ही दे रही हूँ। अभी आपको टेबल पर कुछ फैब्रिक नज़र आ रहा होगा मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ फैब्रिक, कुछ लेसेस वगैरह रखी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कलर कम्बिनेशंस के हवाले से कि आप किस तरह से कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों ने सवाल भी किए हैं कि आप ही, हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि फ़लाँ कलर पर हम किस टाइप की चीज़ यूज़ करें, या ये चीज़ हमें कैसे आसान हो जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड कपड़ा है तो हम उस पर क्या चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। तो ये वाकई ही चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं, इसलिए आज हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि कुछ लोग कंट्रास्ट करना चाहते हैं, यानी सादे सूट के साथ उनको अब चाहिए कंट्रास्ट, तो वो अब कंफ्यूज हैं कि हम कंट्रास्ट में कौन सा कलर यूज़ करें। देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले आपको कलर्स की समझ होनी चाहिए, कलर्स के नाम आने चाहिए। अब जैसे कि ये मेरे पास है, ये रेड कलर है, इसको मैं मेहरून नहीं कह सकती, इसको मैं डार्क रेड नहीं कह सकती हूँ। इसी तरह आपको कलर्स की पहचान होनी चाहिए, शॉकिंग पिंक अलग होता है, आर्ची पिंक अलग होता है, रेड में भी बहुत सारे शेड होते हैं, रेड कलर, अनारी रेड कलर, ये सारे डिफरेंट शेप जो शेड्स बनते हैं। उसके बाद नेवी ब्लू, जिंक ब्लू, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के आते हैं, नेवी ब्लू, जिंक ब्लू, स्काई ब्लू, सी ब्लू। अब देखें, आप सी ब्लू में सोचेंगे कि ये कौन सा कलर है, ये सारे कलर्स हैं, इनकी समझ होनी चाहिए। बीच में और इतने कलर स्कीम्स होती हैं ना कि आपको तो जस्ट कॉमन कलर्स पता होंगे, लेकिन कलर्स की पहचान कर लें पहले आप। विंटर स्टफ है और सादा कपड़ा है, अभी तो ये पिस्ता कलर है, आपके पास कोई भी कलर है, आप कोई भी कलर पसंद करें, ब्लैक करें, ब्लू करें, हैं कोई भी कलर पसंद करें, सबसे पहले जो सादे कपड़े को डिज़ाइन किया जाता है ना, उसमें ये कोशिश की जाती है कि आप उसी का थोड़ा सा डार्क टोन में, उसी के जो अब जैसे पिस्ता कलर है, पिस्ता कलर में ही मैं इनके डार्क टोन्स रख कर देखूँगी कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस पर इन्हेंस हो रही है,
किस चीज़ से ये ग्रेसफुल लग रहा है और क्या चीज़ इसको, मतलब क्या प्रोमिनेंट आएगा जब मैं इस पर कुछ डिज़ाइन करूँगी। अब जैसे कि पिस्ता में अगर मैं डार्क टोन में जाती हूँ तो ये बॉटल ग्रीन कलर आ गया है, बॉटल ग्रीन इस पर सूट कर रहा है, बहुत सूट कर रहा है, ये बहुत अच्छा भी लगेगा जब ये फुल डिज़ाइन होगा। लेकिन अगर आपको कंट्रास्ट करना है, जैसे कि अब मतलब बहुत सारी होती हैं कि मेरे पास भी ऐसी कस्टमर्स आती हैं जो कहती हैं कि हमें ब्लैक के ऊपर कोई भी ऐसे शेड बता देंगी, या मैं आपको यही कह देती हूँ कि अच्छा वो चाह रही हैं कि ब्लैक के साथ हमें रेड कम्बिनेशन चाहिए। अगर तो वो खुद कोई चीज़ देकर जाती हैं तो वो रेड कलर नहीं होता, वो रेड से बिल्कुल डिफरेंट, यानी डार्क रेड कर ले, महरून कर ले, या बहुत ही लाइट गाजरी सा कलर चला जाता है। फ्रेश रेड कलर अब आपको भी नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपको हमेशा कलर्स की पहचान होनी चाहिए। अब पिस्ता कलर के साथ रेड कलर अच्छा लगता है, लेकिन कितना ही अच्छा लगेगा जब आप इसके साथ महरून कलर रखेंगे। जब आप इसके साथ महरून कलर रखेंगे, ओरिजिनल महरून कलर रखेंगे, तो वो पिस्ता को मज़ीद ग्रेसफुल बनाएगा। आप पिस्ता के साथ नेवी ब्लू कंट्रास्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ना आपको बड़ी ध्यान से चलनी पड़ेंगी लेके। साथ ही अगर मैं यहाँ पे सिंपल ड्रेस की बात कर रही हूँ, अगर तो मेरे पास यहाँ साथ ही सिंपल ड्रेस पड़ा हुआ है, ये अब फैंसी है। देखिए फैंसी पे भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा किस किस्म का है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से रखनी है। अब देखेंगे चमक वाला कपड़ा है, चमक वाले कपड़े पर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है, या आप ये इस टाइप की चीज़ें देख लें, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना होता। चमक वाली चीज़ों को ना बड़ा ही ध्यान से, इस पे मैट चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अगर आप इसको फैंसी लुक देना चाह रहे हैं तो डल गोल्ड की तरफ जाइएगा हमेशा। शार्प गोल्ड कभी भी मत यूज़ कीजिएगा, हमेशा आपने डल गोल्ड कॉपर कलर को प्रेफर करना है जब आपने फैब्रिक शाइन वाला लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। और कोशिश ये किया करें कि लेसिस का चुनाव इस तरह से किया करें कि वो कपड़े पर लगी हुई बहुत ओवर ना लगा करें। कोई अच्छी अच्छी शेप्स, अच्छी अच्छी मतलब जो आती हैं लेसिस, छोटी बड़ी हर तरह की, ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखा करें। साथ ही मेरे पास ये सिंपल फैब्रिक पड़ा हुआ है। अब आप इस कलर को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्वा ग्रीन कलर है, इसको एक्वा ग्रीन कलर कहते हैं। इसमें एक्वा ब्लू भी होता है, इसमें बहुत सा अच्छे अच्छे शेड भी आते हैं, लेकिन ये एक्वा ग्रीन कलर है जो कि मैंने यहाँ पर रखा है। अब ये लॉन है, लॉन की चीज़ है, गर्मियों में आपको पता है ठंडी ठंडी चीज़ें ही सूट करती हैं। अब गर्मियों के लिहाज से अगर ये स्टफ़ है तो देखें इस पे वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर बीच में सीडी लेस भी वाइट दे दूँ वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और क्या ही अच्छा होगा कि अगर हम इसको सेम में भी चलाएँ, यानी कि जैसा कपड़ा है सेम ही सीडी लेस, सेम ही दूसरी लेसेस जब यूज़ करेंगी तो आपका ड्रेस और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। लाजमी नहीं होता कि हर ड्रेस पे ही कंट्रास्ट किया जाए, ये चीज़ क्लियर करें। और दूसरी ख़ास बात ये है कि आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि डार्क कपड़े पर आपने लाइट शेड्स रख कर देखने हैं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और लाइट कपड़े पर हमेशा डार्क शेड रख कर आपने चेक करने हैं कि कौन सा शेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन आप इस टाइप के अगर कलर सारे यूज़ करना शुरू कर दें तो सोचें इस कपड़े का कलर का ग्रेस ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें बड़े ही काम की चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की समझ आ जाएगी ना जब आपको, तो आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं, बल्कि बन जाएंगे। अच्छा, प्रिंटेड की कुछ थोड़ी सी प्रिंटेड के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास प्रिंटेड ड्रेस है और आपको समझ नहीं आ रही है कि प्रिंटेड से मुराद ये कि काफ़ी कलर्स वाला। ठीक है, कुछ प्रिंटेड ड्रेस ऐसे होते हैं कि वो एक ही कलर की लाइट डार्क टोन चल रही होती है, जैसे कि मतलब अगर ग्रे कलर है उसके बीच में ऑफ वाइट कलर की बेल्स होंगी और लाइट ग्रे कलर की बेल्स होंगी, कुछ ऐसे प्रिंट भी होते हैं। लेकिन जो ऐसे खिचड़ी वाले प्रिंट होते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है। अब देखें इसमें सारे डार्क कलर्स हैं, उसमें सबसे पहले आपने लाइट कलर को प्रेफर करना है कि आपका लाइट कलर जो बीच में आ रहा है, आपने लाइट कलर की लेस लगानी है या लाइट कलर का ही पाइपिंग करनी है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी लगेगी, बजाय इसके कि आप शॉकिंग कर लें, ऑरेंज कर लें या कोई और डार्क कलर चूज़ कर लें। फिर भी अगर आपको इस ड्रेस को डार्क ही टोन में रखना है तो इसमें सेकेंड वन में देखें कि स्किन के बाद थोड़ा बहुत डार्क कौन सा कलर है। थोड़े बहुत डार्क पर अगर आप चलें तो थोड़ा बहुत कौन सा रस्ट,
इस ड्रेस में रस्ट है, लेकिन आपके पास जो भी ड्रेस है आपने उसको उसी तरह से चलना है। इसके ऊपर अगर हम रस्ट लेस रस्ट ही कलर की पाइपिंग वगैरह करेंगे तो वो भी खूबसूरत लगेगी। थर्ड ऑप्शन इसमें ये वाला है, ये वाला कलर, ये भी रस्ट का लाइट टोन आ जाता है और पर्पल का डार्क टोन है। ये नेवी ब्लू आपको लग रहा होगा लेकिन ये पर्पल का डार्क टोन है, तो ये कलर हम डार्क टोन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें शॉकिंग ब्लैक और ये जो बीच में आपको और भी बहुत सारे डार्क कलर्स नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे इस टाइप के ड्रेसेस पे। आपने हमेशा लाइट टोन को ज़्यादा प्रेफर करना है, मैं तो यही कहूँगी। आप जब लाइट कलर की चीज़ें यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत आपका ड्रेस बनेगा। इस तरह के प्रिंटेड में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइट कलर को देख के चलना है। लेकिन लाइट ये नहीं कि आप सब लाइट पर ही रहे, नहीं, आपने सात ऑप्शन ज़रूर रखनी है कि लाइट अगर सूट नहीं कर रहा है या समटाइम मिलता भी नहीं है तो फिर उसके बाद लाइट कलर कौन सा है, उसके बाद लाइट कलर कौन सा है, ये चीज़ें आपने बस जहन में रखनी है और अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक स्टिच शर्ट है, मैंने इसलिए रखी है कि आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ कि कैसे कलर्स चूज़ करने हैं। ये जो शर्ट है ना, ये मेरी अपनी शर्ट है और ये है पैनल वाली, मतलब ये पैनल वाली शर्ट है। अब देखें कि इसका ऑल ओवर प्रिंट था, ऑल ओवर प्रिंट के साथ बीच में छोटी छोटी बूटी थी, ऑल ओवर प्रिंट था। मुझे यही सूट लगा कि इसमें पैनल वाली शर्ट पहनी जाएगी, अच्छा भी लगेगा, सूट भी करेगा। अब पैनल के बीच में मैंने सीडी लेस नहीं लगानी थी क्योंकि बहुत गर्मियों में, आपको पता है कि इस बार गर्मियों में सीडी लेस जॉइंट लेस बहुत इन हुई थी। अब लाजमी नहीं है कि आप हर ड्रेस को ही सीडी लेस से जॉइंट करो, नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब पैनल वाली शर्ट थी, मैंने इसमें कोई डिफरेंट कलर यूज़ नहीं किया कि मैं पिंक कर लूँ, ऑरेंज कर लूँ, ग्रीन कर लूँ, नहीं। ये बूटी जो बनी हुई है इसमें जो डल गोल्ड था मैंने वो गोटी यूज़ की है पैनल्स के बीच में जिगजैग वाली, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब यहाँ पे स्लीव्स की, अगर आप मतलब स्लीव्स के आगे आपको एक पैच भी नज़र आ रहा होगा, पीछे भी एक नेट का पैच लग रहा होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पैच बिल्कुल साथ का लग रहा है जबकि ये ड्रेस के साथ नहीं था, ये मैंने बाहर शॉप से ख़रीदा था, बाहर शॉप से ख़रीदा था। लेकिन हर बंदे को जिसने भी ये देखा है उसको यही लगा कि ये पैच मुझे इस ड्रेस के साथ ही मिला हुआ है। अब आप देखें, कुछ लोगों को पैचेस लगाने का भी बहुत शौक होता है तो पैचेस लगाते वक्त भी बहुत ध्यान रखें। अब ये पैच ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसी के प्रिंट पर ही बना हुआ है। ये जो आगे मैंने लेसेस यूज़ की हुई हैं, इस सीज़न में लेसेस का बहुत ट्रेंड था। ये लेस जो मैंने यूज़ की है इस फूल के साथ यूज़ की थी, ये जो बीच में फूल है, क्योंकि इसका सिल्क का दुपट्टा था और उसमें ये वाले कलर्स बहुत ज़्यादा थे, ये इस टोन के कलर्स। जबकि ये आगे जो सिल्क का पैच आपको नजर आ रहा है, ये मैंने यूज किया था शर्ट को लंबा करने के लिए। अब शर्ट को लंबा करने के लिए मैं इसी लेस को डबल कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मैं कुछ और शलवार का कपड़ा भी यूज कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। ये जो पैच आपको नजर आ रहा है ये दुपट्टे के साइड से उतरा है, ये दुपट्टे का जो साइड्स था ना, ये वो पैच उतरा है। मैंने उसको लिया, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं ये शर्ट, आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये शर्ट यहाँ वहाँ से कपड़े उठा के बनाई हुई है। ये चीज़ होती है कि आपको इन चीज़ों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही आपने प्रिंट भी देखने हैं, अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी देखना है, उस लिहाज से भी चलना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर तो इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको मज़ीद मशवरे दे सकूं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं कि आप हेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, टिनी हैं या जो भी हैं, आपको किस टाइप के ड्रेस सूट करेंगे, हाइट छोटी है बड़ी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है तभी। अभी तो मुझे इजाज़त हो कि जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।